हेलो दोस्तों, दिस इज नरेन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्टी सोल ब्लॉगर। आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह और वो है चंद्रपदनी का मंदिर। मेरे से कई सारे लोगों ने ये बोला था कि भाई अपने यहाँ के मंदिर को दिखाओ, तो आज हम पहला मंदिर जो मैं दिखाने वाला हूँ किसी वीडियो में। हमारे साथ पूरी पलटन है, पलटन बोलते चार लोग हैं हम। देखो ये देखो, हेलो, ये हैं सारे के सारे बंदे हम। पूरा इंतजाम करके आए हैं, देखो पर कॉपीराइट ना पड़ जाए इस गाने पे। क्रिश, आप इसे पुरानी वीडियो से पहचानते होंगे। ये है हमारे गांव की रोड जो पड़ता भरपूर पट्टी के देवरिया के भरपूर पट्टी वाले। So, दोस्तों चंद्रपदनी देवी मंदिर देवप्रयाग से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा और आप आराम से बस, टैक्सी, कैब या फिर बाइक द्वारा आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ तक का रूट। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दो तीन रास्ते मिल जाएंगे। श्रीनगर से मलेथा वाला रास्ता भी जाता है जो कि पौखाल से चंद्रपदनी के लिए रास्ता कट जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी गैंग और हम लोग आज यहाँ पे छह है ना, छह लोग। तो भाई साहब भी बैठे हैं इधर, मजाक वाले मैं किसी को नहीं काटूंगा भाई, मैं अपना फुटेज काट दूंगा, तुम्हारा नहीं काटूंगा। टच योर सोल हम तो नहीं कर सकते भाई। राजकीय इंटर कॉलेज मेहरजाल, ये अलकनंदा नदी है और इसके बगल में ये है देवप्रयाग वाली रोड यानी कि नेशनल हाईवे 58। और हम इधर की तरफ ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, करीब 15-20 किलोमीटर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, भाई साहब क्या जगह है। मैंने कहा भाई यही रुको। भाई साहब ये देखो, अब चंद्रपदनी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और आगे है, बट जो जगह मिली ना हमें, माय गॉड, एंड आई फाउंड दिस प्लेस। हाँ, इन्होंने फाइंड करा है। और देखो भाई बहुत सही है यार, इधर पे ना वही वाला जो सेम खिरसू वाला क्लाइमेट है वही है। बांज और बुरांस और काफल के पेड़ हैं बहुत सारे। और वो रोड जा रही है पौखाल पे, मिलेगी वो जो पौखाल से चंद्रपदनी का रास्ता कटता है वो उस वाली रोड पे। यहाँ से श्रीनगर भी करीब करीब 44 किलोमीटर दूर है। ये हमारी गैंग, क्रिश भाई साहब, गौतम जी और भाई साहब। हाय एवरीवन। और अभी हम लोग बस इसके बाद 2 किलोमीटर का गाड़ी का रास्ता, उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल जाने पड़ेगा। मजाक निकल यार, कसम से बच्चों के साथ। एंड देन वी पैदल डेस्टिनेशन, पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, चंद्रपदनी मंदिर ना ऑलमोस्ट हर जगह से, उत्तराखंड की हर जगह से ईजिली एक्सेसिबल है और आप आराम से यहाँ पे आपको सुविधाएं सब चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि अच्छा इन्होंने डेवलप कर रखा है। तो ये है चंद्रपदनी का वो पॉइंट जहाँ से सारे के सारे लोग पैदल ही जाएंगे ऊपर। और यहाँ पे तो चंद्रपदनी देवी का मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर बसा हुआ है जो कि समुद्र तल से करीब करीब 1400 मीटर की हाइट पर है। माना जाता है कि जब शिवजी देवी सती का शव लेके तांडव नृत्य कर रहे थे तो विष्णु जी के चक्र से उनके शव के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनके शव के कुछ अंश चंद्रकूट पर्वत पर भी गिरे और यहाँ पर चंद्रपदनी देवी मंदिर का निर्माण किया गया। और जहाँ जहाँ पर भी देवी सती के अंश के शरीर के अंश गिरे वहाँ पर सिद्धपीठ की स्थापना की गई। तो वैसे हम सबके सब इधर के लोकल ही है, बट लोकल बोले तो अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास, बट मैं चंद्रपदनी अपने जीवन में पहली बार आ रहा हूँ और मेरे साथ सारे के सारे ये लोग चंद्रपदनी अपने अपने जीवन में पहली बार आ रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो बांधा हुआ है ना, ये जोड़ी वाला कपल्स लोगों ने बांधा हुआ है। तो ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसका हमने करीब करीब 400 मीटर कवर कर दिया, 400-500 मीटर, और आधे से ज्यादा भी बचा हुआ है। और हम तो पहाड़ी है भाई, हम तो छह लेंगे, लेकिन जो अब जो ऐसे गढ़वाली हैं जिनको बिंगड़ी आती होगी, बचानी नहीं आती होगी, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, ऊपर ही मिलते हैं। कंपटीशन हो रहा है इधर पे। यहाँ से आप लैंडस्केप एंजॉय करो, माय गॉड भाई, बहुत अद्वितीय, अकल्पनीय, प्रशंसनीय, बहुत अच्छा चीज। और अभी थोड़ा सा बचा हुआ है 200 मीटर वहीं का, और अब पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट।
और सांस भी फूलती हुई नजर आ रही है हमारी। बहुत सारे श्रद्धालु गण नीचे आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं सीधे उस वाले एरिया से और ऊपर आ रहे हैं। और व्यू देखो बस, बहुत हाइट पे है ये। ओह माय गॉड, रास्ता देखो अभी नीचे आते वक्त। ओहो पहले इधर ही चलो। नहीं इधर नहीं है यार, वो आगे ही हो। पेट में चूहे कूद रहे हैं, देर में चूहों का भी इलाज करेंगे, नीचे पे कुछ खाएंगे पिएंगे। बाकी अब तक आनंद लो, ठंडी ठंडी हवाओं का, प्रकृति का स्पर्श। ये वाला कैमरे में स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम है, इसकी फुटेज थोड़ी शेकी शेकी दिखेगी। सामने पे एक दुकान है जो कि दे रहे हैं बुरास का जूस, और लिख तो प्यार रखा है तो देखते हैं। चेक कर ले भाई, गलती कर दी आपने भाई। ये तो ठीक ठीक ठाक है, मतलब बुरास का सही है। अच्छा तो ये था चंद्रबदनी देवी का मंदिर, और इसके बारे में सारी एडिशनल डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा कि कहाँ से पहुँचना है, कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से गाड़ी लेनी है, कहाँ से आप कैब कर सकते हैं,
सारी डिटेल्स मैं आपको सारी इसमें वीडियोस में बता दूंगा। कोई कैफे है, थीम कैफे है, और यहाँ पे ना बहुत सारी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के। जिस तरीके का है अंदर से भी दिखाऊंगा आपको, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है भाई लोग। ये देखो इस तरीके का इनसाइड का व्यू, और काफ़ी अच्छा है। अगर आप आओ इधर घूमने तो ज़रूर आना। और ये देखो सो ये हैं एप्पल के ऑर्चर्ड, इधर पे लगे हुए हैं, और सबसे यहाँ पे टेम्परेचर है ना उस हिसाब से पल्स वगैरह अच्छे हो सकते हैं सेब के। अब यहाँ के फूड रिव्यू के बारे में, फूड रिव्यू ये है A1 क्लास का टॉप क्लास का बुराठो, यार नाम याद आ गया मेरे को, बुराठो ग्रीन वैली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। और जो खाना है ना यहाँ पे एकदम A1 है, हर चीज़ आपको बहुत प्यारी मिलेगी, मज़ेदार। तो अब बात यह है कि अब मैं सीधे जाऊँगा भाई घर, क्योंकि खोपड़ी ख़राब हो रही है, अब स्टोरेज भी भर रहा है बहुत ज़्यादा, एडिट करने में मेरे को आफत आ जाएगी, इसलिए अब आपको सीधे मिलेंगे घर पे। बाय बाय।